फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधास लाइफस्टाइल। आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ पोहा कटलेट, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, गर्मा गर्म कुरकुरा सा। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही कम सामान में इसको हम तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मुझे 1 बाउल के करीब में पोहा चाहिए। ये देखिए, ये बड़ा वाला पोहा है, मैंने 1 बाउल पोहा लिया है। यहाँ इसमें मैंने 6 से 7 हरी मिर्च को कट कर लिया है, बारीक कट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ली हूँ। मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून ली हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑरिगेनो लिया है 1 टेबल स्पून, मिक्स हर्ब है। यहाँ पे मैं 4 से 5 चीज़ की स्लाइस ली हूँ, थोड़े चौड़े में मैंने काट लिया है। ये मैं 3 आलू ली हूँ बॉइल्ड, अच्छे से छील लिया है। यहाँ पे मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। मैं 1 से 2 चम्मच के करीब में धनी पत्ता ली हूँ। यहाँ पे मैं 3 to 4 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स ली हूँ, ये मैंने घर पे ही बनाया है। मैंने ब्रेड को मिक्सर जार में अच्छे से पीस लिया। आपके पास अगर मार्केट का अवेलेबल हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने मैदा लिया है 2 टेबल स्पून, ये घोल बनाने के लिए मैंने लिया है। अब हम पोहे को 1 बाउल में लेंगे और पोहे को अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करेंगे, इसमें जितना भी स्टार्च हो, ताकि वो निकल जाए। मैं एक बार धुल चुकी, ये देखिए मैं एक बार धुल चुकी, अब मैं दोबारा इसको धुल रही हूँ। उसको धुल के अच्छे से छान लेना है। इसको मैं धुल के अच्छे से छान लूँगी। ये देखिए, प्रेस करके सारा पानी निकाल लेना है इसमें का, सारा पानी निकाल लेंगे बाहर। दबा दबा के जितना भी एक्स्ट्रा पानी है इसमें निकाल लेना है। इसको 5 मिनट के लिए रख देना है। अब हम चलते हैं। देखिए, मैंने आलू को अच्छे से आलू मैसर से मैश कर लिया है। इसमें मैंने जो छाना हुआ पोहा था, अब उसको ऐड करूँगी मैं। देखिए, इसमें छाना हुआ पोहा जो भी था उसको ऐड कर दी और इन सबों को सभी इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स करूँगी। अब इसमें मैं जो कट हरी मिर्ची ली थी वो डालूँगी। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून के करीब में नमक लिया है, थोड़ा सा नमक हम बचा लेंगे, वो डालेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब में मैंने ऑर्गेनो मिक्स हर्ब लिया था, वो डाल दिए। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे मैंने 1 मीडियम का प्याज लिया था, बारीक चॉप्ड किया हुआ, उसको डाल दिया मैंने। यहाँ पे 1 to 2 टेबल स्पून के करीब में धनिया पत्ती लिया था, वो भी डाल दिया। ये 1 to 2 टेबल स्पून के करीब में हम उसमें ब्रेड क्रम्स भी डाल देंगे, उससे हमारे कटलेट में बैंडिंग बहुत अच्छी आ जाती है और तेल में जाने के बाद वो फैलता नहीं है। अब उसको मिक्स करेंगे। अब इसमें हम घोल तैयार करेंगे। इसमें 2 से 3 टेबल स्पून हम पानी डाल करके घोल रेडी करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, हमारा घोल रेडी हो गया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे, जो मैंने नमक बचाया था वो नमक हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें ज़्यादा नमक ऐड नहीं करना है, हल्का सा नमक इसमें बस ऐड करना है। और अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें रेड मिर्ची पाउडर यूज करें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। अब इसको हाथ पे तेल लगा करके, हाथों पे तेल लगा के ऐसे फैला लें और थोड़ा थोड़ा उसको दबा दें। और यहाँ पे हम 1 चीज़ क्यूब्स लेते हैं, उसको उसमें अंदर डाल करके अच्छे से सिलेंडर के आकार का हमें बनाना है कटलेट। चारों तरफ से अच्छे से दबा करके बाइंडिंग कर लें, ताकि वो चीज़ बाहर ना निकले। यहाँ पे मैंने 4 कटलेट रेडी करके रखा है। अब इसको हम घोल में डिप करेंगे। देखिए, मैंने मैदे का जो घोल रेडी किया था उसमें डिप किया और ब्रेड क्रम्स में इसको डालेंगे। ब्रेड क्रम्स में डाल करके हाथों से इसको मिक्स करें अच्छे से, दबा दबा करके ब्रेड क्रम्स निकाल लगा दें, ताकि जब तेल में हम डालें तो ब्रेड क्रम्स निकले नहीं। यहाँ पे मेरा कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है। अब एक एक करके हमें कटलेट उसमें डालना है। हमारा कटलेट बनाते टाइम गैस का फ्लेम हम स्लो ही होना चाहिए। हाई फ्लेम पे हमारा कटलेट जल जाएगा और अंदर से पकेगा नहीं, इसलिए हमें फ्लेम स्लो ही रखना है। अब एक एक करके कटलेट हम ऐसे ही रेडी करेंगे। ये देखिए, हमारा कटलेट गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। अब हम इन्हें निकालेंगे।
खाने में बहुत टेस्टी होता है, कुरकुरा होता है और फटाफट बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, हमारा कटलेट रेडी है। इसको सॉस के साथ खाएं या फिर हरी चटनी के साथ, आप दोनों के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, ऐसे तोड़ने पे चीज़ हम लोग का बाहर की तरफ दिखता है, जो बहुत ही टेस्टी लगता है। ओके दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।